अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और खुश खुर्रम आबाद रखे, आमीन। मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ फ्रूटी कस्टर्ड क्रीमी जेली के साथ। ये 2 लीटर दूध है, बॉयल होने तक इसमें मैं 2 शाशे पैक रफा कस्टर्ड का डालूँगी और आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 खाने के ये वाले चम्मच, ये मैं इसमें कस्टर्ड का मिक्स कर रही हूँ। पानी में इसलिए मैंने मिक्स किया है, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ नहीं बनती। और पानी में अच्छी तरह से ये घुल जाता है। दूध में घोलो तो, मिक्स करो तो गुठलियाँ बन जाती है इसकी गुठलियाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूध बॉयल होना शुरू हो गया, इस पर मैं कस्टर्ड डालूंगी। अब इसको हल्की आंच में इसको लाती रहूंगी, अच्छी तरह बॉयल हो जाए। अच्छी तरह से इसका लिक्विड गाढ़ा हो जाए कस्टर्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें मैंने 1 कप चीनी का मिक्स कर रही हूँ। कम ज़्यादा आप रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने तमाम चीज़ें रख ली। ये टोटल 12 से 13 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया कस्टर्ड को। ये सर्दी की वजह से जमना शुरू हो गया। अब मैं इसमें आपको ना बोल में डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 2 जेलियाँ बनाई हैं, आप चाहें तो और कर लो, कलर बना सकते हैं जैसे तरीके से आप शेप देना चाहें। आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये मैंने बस फ्रिज में रखी है 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो 7 किस्म की जेलियाँ बना सकते हैं। ये 4 मैंने 2 रंग की हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब इसमें कस्टर्ड की बोल में मैं डाल रही हूँ।
एक तह मैंने जेली की लगाई, एक तह मैं कस्टर्ड की लगा रही हूँ। आप चाहे तो फ्रूट केक, सादे केक, कोई भी आप केक ले सकते हैं। मैं इसमें केले, बनाना डाल रही हूँ और एप्पल सेब इसमें मैंने मिक्स किए हैं, क्योंकि बच्चों को बस ये दो ही फल पसंद हैं, इस मुताबिक मैंने यही डाल रही हूँ इसमें। आप चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक फल वगैरह फ्रूट डाल सकते हैं। ये ऊपर मैंने क्रीम की मैंने ले लगाई है, ये ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने इस तरह की क्रीमी जेली कस्टर्ड इस तरह का बनाया, दूसरा मैं आपको बोल में कस्टर्ड और क्रीम के साथ बनाकर दिखाती हूँ। इस सर्दी की वजह से जमना शुरू हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट केक इसमें डाल सकते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सब शौक से खाते हैं।
मैंने इसमें कोई ख़ास इतना फ्रूट नहीं डाला, बस कम डाला है। ज़्यादा मैंने कस्टर्ड और क्रीम का मैंने आपको दिखाना था, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। केक के ऊपर मैं फिर कस्टर्ड की तह लगा रही हूँ। हर एक अपना अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से अपने जैसे मुझे शौक है पसंद है वैसे मैं बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने दो डब्बे फ्रेश क्रीम के लिए हैं, फ्रीज़र में मैंने 5 मिनट के लिए रखे थे ताकि अच्छी तरह से ना ये सख्त हो जाए क्रीम। पहले मैंने कस्टर्ड बनाया था, वो बच्चों को इस तरह पसंद है, वो इसी तरह मैंने ना जेली और कस्टर्ड को फैला कर ना जेली को बनाया था अपने तरीके से। मैंने दो किस्म की कस्टर्ड और जेली बनाई है क्रीम के साथ, एक मैंने क्रीम के साथ बनाई है जेली और एक मैंने कस्टर्ड और जेली बनाई है। और मुझे अपनी दुआओं में याद करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।